तब मेरी शक्ति मतलब क्या बताएगा रे, मेरा 3.5 महीने का पैसा रोकेगा? रख, मेरी तरफ से दान है तुझे। जब और क्या बताएगा? सम्मान आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो और उस वक्त आपको निर्णय ले लेते हैं तो फिर पछताना किस बात। YouTube पर अगर आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा के नए एपिसोड्स देखेंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में ऐसे ही कमेंट भर भर के देखने को मिलेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल टीवी शो। तारक मेहता सही में बहुत स्पेशल है। तारक मेहता एक शो नहीं, एक इमोशन है। हम सब की यादें इस शो के साथ जुड़ी हुई हैं। पर ऐसा क्या हो गया कि आज यह शो डेड होने के कगार पर है? आखिर इंडिया के सबसे बड़े टीवी शो का डाउनफॉल क्यों हो रहा है और क्या तारक मेहता बंद होने वाला है? तो आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा आज से लगभग 15 साल पहले 2008 में, जब उस समय टीवी पर सास बहू की सीरियल का डोमिनेंस था, जहां टीवी पर हर जगह नेगेटिविटी फैली हुई थी। और उसी बीच सब टीवी लॉन्च करता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो, एक ऐसा शो जिसे फैमिली साथ बैठकर देखती थी, एक ऐसा शो जिसे लोग खाना खाते वक्त देखते थे, एक ऐसा शो जिसमें हर कोई रिलेट कर पाता था, जिसमें एक स्ट्रिक्ट बाप, एक जेलस पड़ोसी, एक शरारती बेटा और एक फ्रॉड साला था। यह शो एक ऐसा शो था जो हर घर की स्टोरी में रिलेट करता था। और शो की जो रोज स्टोरी लाइन थी वह भी रोजमर्रा की प्रॉब्लम पर ही होती थी, जैसे चंपक चाचा ने किसी के साथ लड़ाई कर ली, टप्पू ने किसी की खिड़की का कांच तोड़ लिया और जेठालाल पर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी, पर एंड में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता था और प्रॉब्लम खत्म हो जाती थी। और उस समय पर कॉमेडी भी भर भर के होती थी और अंत में सब खुश हो जाते थे। और जब हम स्कूल से थककर घर आते थे और हम जब तारक मेहता को देखते थे और हमारी सारी थकान दूर हो जाती थी और हम भी खुश हो जाते थे। पर अगर आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो के पुराने फैन हैं और आप अब भी तारक मेहता के नए एपिसोड्स देखोगे तो आप बोलोगे यार इसमें अब मज़ा नहीं आ रहा है। और इसी पॉइंट पर आकर शुरू होता है तारक मेहता का डाउनफॉल। इस शो में जो जो भी मेन कैरेक्टर थे वे या तो शो छोड़ रहे हैं या उन्हें शो से निकाला जा रहा है। और शो में जो नए नए एक्टर्स आ रहे हैं उनसे लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। शो छोड़ने वाले कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं दया भाभी, सोडी भाई, टप्पू यानी भव्या गांधी, इसके अलावा सोनू, अंजलि मेहता आदि कई एक्टर्स इस शो को छोड़ चुके हैं और कुछ ऐसे एक्टर हैं जो आज हमारे बीच नहीं रहे। और दूसरा यह कि अब शो कॉन्ट्रोवर्सी से घिर रहा है। एक बार चंपक चाचा यानी अमित भट्ट ने हिंदी के बारे में कुछ कह दिया था और एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। लास्ट में चलकर पूरी तारक मेहता की टीम को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और एक बार मुनमुन दत्ता यानी बबीता जी पर SC ST का एक्ट फाइल हो गया था। और जेठालाल के इस पागल औरत वाले डायलॉग पर भी विवाद छिड़ गया था। और एक समय पर बबीता जी और टप्पू के डेटिंग के र्यूमर्स भी फैल गए थे। और हाल ही में रोशन बाबी का किरदार निभाने वाली जेनिफर्स मिस्ट्री ने शो मेकर्स पर सेक्सुअल हरासमेंट और छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। और यहाँ तक कि अब बाबरी का किरदार निभाने वाली मोनिका बदोरिया ने भी शो मेकर्स पर आरोप लगाया है कि उनका पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही साथ शैलेश लोढ़ा, राज अनादत्त, नेहा मेहता ने भी टाइम से पेमेंट ना मिलने के कारण शो को छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं इन कॉन्ट्रोवर्सी के कारण शो पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और एक मेन कारण है कि शो के मेकर्स द्वारा शो की स्टोरी लाइन को बिगाड़ना। एक ही एपिसोड को घसीट घसीट के बढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि पोपटलाल की शादी पर ही कई एपिसोड्स बन चुके हैं पर अभी तक पोपटलाल की शादी नहीं करवा रहे हैं। यहाँ तक कि हर एपिसोड में एंटरटेनमेंट वैल्यू घट रही है, कॉमेडी भी पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। और इसी पर एक भाई ने यह एक कमेंट भी लिखा है कि तारक मेहता के पुराने एपिसोड में एक सीन भी बोरिंग नहीं होता था, अब एक सीन में भी मज़ा नहीं आ रहा है। ओके, तो यह सब देखने के बाद हम यही कह सकते हैं कि अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन इस शो को सच में बंद करना पड़ेगा और तारक मेहता हमारा इमोशन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आई नो शो के मेकर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ओल्ड एपिसोड्स की तरह एपिसोड लाने की, बट वे पहले जैसी स्टोरी लाइन कॉमेडी नहीं कर पा रहे हैं। और एक जेठालाल के दम पर यह शो कब तक चलेगा और कब तक हम इस शो को केवल जेठालाल के दम पर ही देखेंगे? अब यह देखना होगा कि आगे क्या होता है, कुछ इम्प्रूवमेंट होंगे या यह शो बंद हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका तारक मेहता का सबसे फेवरेट एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको क्या लगता है इस बार पोपटलाल की शादी होगी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।